हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ प्रिया लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग मोटरसाइकिल में कहीं पे घूमने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोगों से क्या छुपाना है हम बता ही देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अभी शाम के टाइम है, दियाबाती का टाइम हो जाएगा, तो हम लोग जो है मंदिर जा रहे हैं। बहुत दिन से मंदिर भी नहीं गए थे क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरे हस्बैंड जी का जो है हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसके वजह से मोटरसाइकिल वगैरह चला नहीं पाया। और सामने शिवरात्रि था, शिवरात्रि में भी जो है हम लोग मंदिर नहीं जा पाए थे। तो आज हस्बैंड जी का छुट्टी था, घर में थे, बाढ़ में शनिवार था, तो इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे शनि मंदिर में आ गए हैं। ऐसे भी मेरा हस्बैंड मतलब बोल रहे थे कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, तो इसीलिए देखिए हम लोग मंदिर आ गए हैं। और ये जो मंदिर है शनि मंदिर है, तो आप लोग समझ सकते हैं, तो शनि मंदिर में आए हैं। और यहाँ पे हमने बापी को भी साथ में ले लिया है, बापी स्टेडियम में खेल रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा पानी से जो है हाथ पैर धो लेगा, उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो ये यही बातचीत चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जूता उतार के जो है मंदिर जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रसाद मतलब बिक्री हो रहा है, दिया वगैरह। ये जो मंदिर है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही मंदिर है। यहाँ पे एक्चुअली इस मतलब एक सरकारी कॉलोनी है, तो कॉलोनी के अंदर जो है ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर तो सब किसी के लिए ही खुला रहता है हमेशा, तो इसीलिए यहाँ पे सबको आना जाना करने देता है। तो हम लोग भी आए हैं। और यहाँ पे देखिए बापी जो है अभी पानी से हाथ पैर धो ले रहे हैं और हस्बैंड जी उधर प्रसाद खरीद रहे हैं। तो हम लोग मतलब सोचे थे कि मतलब पूजा नहीं देंगे, ऐसे ही दिया जला लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में सोचे चलो मतलब पूजा दे ही देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रसाद और दिया ले रहे हैं। सरसों तेल दिए ना, नहीं दिया नीचे वाला नारियल कैसे दो उसी में दे दीजिए ना, दिया गिर जाएगा कितना होगा। तो अभी देखिए प्रसाद हम लोग ले लिया है और अभी जो है सामने मेरा हस्बैंड और बापी जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। ये जो है मंदिर का गेट है, यहाँ पे लाइट एकदम ज़बरदस्त दिया है, सब कुछ जो है सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। तो अंदर में भी इस तरह से प्रसाद बिक्री होता है। और यहाँ पे कुछ मतलब पूजा था क्या पता नहीं हमको भी, यहाँ पे शायद देखिए पंडाल जैसे मतलब थोड़ा सा सजाया है। और यहाँ पे जो है जो मतलब यज्ञ होता है बोलते हैं ना, तो अंधेरे में यहाँ पे देखिए अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बना था, कहीं कहीं जगह में इतना लाइट दिया है कि ये पूरा सफ़ेद दिख रहा है, कहीं कहीं जगह में एकदम अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी जो है हम लोग मंदिर आ गए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे आप लोगों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिएगा उड़ीसा में मंदिर में किस तरह से पूजा होता है, किस तरह से आरती होता है, दियाबाती कैसे करते हैं। और एक बात बता देती हूँ, हम उड़िया लोग जो है ना मतलब दियाबाती करने के लिए थोड़ा सा दिन रहते रहते ही जो है दियाबाती करते हैं। अभी देखिए ये जो है ये मतलब जो शनि मंदिर के बाद बोल रहे हैं यही है शनि मंदिर, लेकिन शनि मंदिर के सामने अगर हनुमान जी ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी का भी मूर्ति बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी जो है अभी हनुमान जी का मूर्ति के सामने, और भी छोटा छोटा मतलब मंदिर जैसे मतलब बना है, सभी मंदिर में अलग अलग मतलब भगवान का मूर्ति रखा है। तो सभी में जो है मतलब अभी धूप और अगरबत्ती जो है ये सब दिया और अगरबत्ती को जला के जो है हस्बैंड जी इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं परिक्रमा जिसे बोलते हैं कर लेते हैं। और ये जो है देख सकते हैं ये है हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मूर्ति मतलब है। और यहाँ पे सब लोग अभी दियाबाती करने लगा है, तो मैं है फ़ोन पकड़ के खड़ी हूँ, मेरा हस्बैंड ये सब करते हैं। तो ऐसे भी मेरा हस्बैंड जी थोड़ा सा पूजा पाठ में मतलब फास्ट ही है, वही ज़्यादातर मतलब मेरा घर में भी ज़्यादातर जो है हस्बैंड जी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है राधा कृष्णा का
मतलब मंदिर है इस तरह से। और यहाँ का जो मूर्ति होता है बहुत ही सुंदर होता है देखने में, और मंदिर भी बहुत ही सुंदर होता है। साउथ का डिजाइन में जो है मंदिर यहाँ पे डिजाइन करा रहता है, तो देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे जो है राधा कृष्ण का मंदिर था, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है राम सीता लक्ष्मण जी का जो है मंदिर है। इस तरह से मूर्ति देख सकते हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है राम सीता और लक्ष्मण का मंदिर। यहाँ पे साइड में जो है छोटा छोटा बहुत मंदिर बना हुआ है। तो मेरा हस्बैंड जो है मुझसे मतलब दूर चला गया, और मैं जैसे ही फ़ोन पकड़ के वीडियो करने लगती हूँ तो मेरा हस्बैंड जो है मुझसे दूर भागते हैं। तो बोलते हैं लोग जो है देख के हंसेगा, तो इसीलिए वो दूर दूर भागते हैं। और देखिए कितना दूर पास्ट मतलब चला गया, साथ में बापी भी है। मैं अकेली जो है ऐसे घूम रही हूँ। और ये जो है मंदिर देखिए यहाँ पर, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है शिव जी का मंदिर है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगता है। छोटा है तो क्या हुआ, मंदिर तो मतलब सबको अच्छा लगता ही है। और ये जो है शिव जी का मंदिर है, सामने है नंदी महाराज। शिव जी के सामने नंदी महाराज ना रहे ऐसा तो हो नहीं सकता है। और ये जो है पीछे का साइड है, अभी अंधेरा में होने वाला है, देख सकते हैं लाइट वगैरह जला दिया है। तो पीछे के साइड में भी है, यहाँ पर शायद पंडित वगैरह रात को रहता है, हमें उतना पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। एक सरकारी मतलब कॉलोनी के अंदर बना हुआ है मंदिर भी, मतलब सरकारी मतलब मंदिर ही बोल सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं हस्बैंड जी और बापी कहाँ चले गए हैं, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हैं। अभी देखिए आ गए हैं ये जो मतलब शनि मंदिर के सामने। तो ये देखिए पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है, देख सकते हैं। और शनि मंदिर के सामने पीपल का पेड़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पीपल का पेड़ जो है मस्ट, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पीपल का पेड़ है। यहाँ पे सभी लोग जो है दियावती कर रहे हैं, और सामने में जो है अभी मतलब भगवान को भोग लगाने के लिए पंडित जी सब मतलब तैयारी कर रहे हैं। मंदिर में जो है भीड़ है थोड़ा, हाँ मतलब ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है मतलब भीड़ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है पूजा जो लेकर आए थे पूजा दे रहे हैं। अभी संध्या आरती का टाइम है, आरती होगा, भगवान को भोग भी लगाया जाएगा शायद, तो इसीलिए सब पंडित जी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी इसी टाइम थोड़ा सा जो है वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरा हस्बैंड तो देख के ही हंसने लगता है, तो बोलते हैं कि लोग देख के ना हंसेगा, बोलेगा कि मतलब पूजा करने के लिए आए हैं कि वीडियो करने के लिए आए हैं, ऐसा ही मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं। तो इसीलिए जब मैं वीडियो मतलब बनाती हूँ तो मेरा हस्बैंड मेरा साथ में नहीं रहते हैं। तो देख सकते हैं पंडित जी लोग जो है अभी भोग लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे। और अभी जो है हम लोग जो दिया लेकर आए थे, ये जो है राशि तेल मतलब ओरिया तिल का जो तेल होता है, तिल को जो है ओड़िया में राशि बोलते हैं। तो तिल का तेल से जो है दिया बना के दिया था, तो वही दिया हम लोग भी जला लेते हैं। तो अभी देखिए हम लोग दियाबाती करके इधर आ गए हैं, और इधर देखिए मंदिर का जो पर्दा है मतलब गेट है वो बंद है, तो अंदर में जो है भोग लगाया जा रहा है और जो है पूजा हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मतलब बाजा है, इसे बोलते हैं उड़िया में इसे बाजा बोलते हैं, मतलब जो पूजा करते टाइम जो बाजा बजाते हैं ना, वो सब जो है यहाँ पे मतलब ऐसे ही रखते हैं। तो जैसे ही अंदर से जो है घंटी का आवाज़ मतलब आया, तो इन लोग भी बजाना स्टार्ट कर दिया है। Thank you.
तो अभी देखिए आरती हो गया है। आरती हो जाने के बाद जो ये अंकल जी है यहाँ पे आरती लेके यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग आरती ले रहे हैं और पैसा दे रहा है, हम लोग भी ले लिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है भोग, भोग लगाया था तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी भोग, मीठा खिचड़ी होता है तो यहाँ पे भोग दे रहा है। तो हम लोग भी जो है एक एक कटोरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग कम था जिसके वजह से थोड़ा सा काला काला सब कुछ दिख रहा है। तो देख सकते दो बड़ा पतीला में भर के जो है भोग लगाया गया था। तो चलिए हम लोग भी ले लिए हैं, अभी चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बापी भी ले लिया है, मतलब मीठा खिचड़ी जिसको बोलते हैं, दाल चावल देखिए। और बापी को ऐसे भी भूख भी लगा था क्योंकि स्टेडियम में वो खेल रहा था ना, तो हम लोग बोले थे कि मंदिर से निकाल के जो है उसे कुछ बाहर से खिला के ले जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ का प्रसाद दिया है, तो मूंग दाल चावल और जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स दे के जो है, और मीठा मीठा लग रहा था, मीठा खिचड़ी है तो यही भोग चढ़ाया था, तो यही हम लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ का जो तुलसी का मंदिर होता है, हर घर में भी जो मतलब तुलसी जी का मंदिर होता है ना, तुलसी माँ जो आंगन में रहते हैं, तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है ना। इस तरह से एक मतलब औरत होता है और इस तरह से सिर में जो है तुलसी का पौधा लेके रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी जब हम लोग उड़ीसा छोड़ के जाएंगे तो यहाँ से जो है इस तरह से जो मतलब तुलसी मंदिर जिसे बोलते हैं एक खरीद के लेकर जाएंगे। तो अभी देखिए मंदिर में हल्का भीड़ है तो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि बहुत लोग चले जा रहे हैं। तो इसका जो साइड में मतलब मंदिर में अंदर आते टाइम जो साइड में जो है दो मतलब मंदिर था तो हमने उस टाइम जो है वीडियो नहीं बनाया था। तो देखिए यहाँ पे भी जो है एक लक्ष्मी जी का मूर्ति है। तो और यहाँ का जो मंदिर है ना, मंदिर में मतलब मंदिर के बाहर जो है इस तरह से देखिए शेर मतलब जो लायन होता है, शेर नहीं तो घोड़ा नहीं तो हाथी, इस तरह से दोनों साइड में इस तरह से बैठा रहता है। ये मतलब ये तो है मंदिर के सामने, लेकिन जो मंदिर का मेन गेट के सामने ही जगह यहाँ पे जो है मतलब गणेश भगवान है। बोलते हैं ना गणेश भगवान से देख के ही जो है सब कुछ मतलब स्टार्ट करना चाहिए, तो इसीलिए मतलब मंदिर का यहाँ पर गेट है, गेट के सामने गणेश जी है। तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। देखिए मैं और बापी, मेरा हस्बैंड जी उतना फ़ोटो वगैरह नहीं खींचना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं माँ और बेटा दोनों मिलके फ़ोटो खींच लिया। फिर उसके बाद जो है हम लोग अभी जो है देखिए मंदिर से निकल के आ गए हैं बाहर। और हम लोग जब आए थे उस टाइम कितना भीड़ कम था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ा है और अभी धीरे धीरे कम भी हो रहा है क्योंकि आरती हो गया है, तो मतलब कोई कोई मतलब यहाँ से निकल भी गया है। तो बापी देखिए यहाँ पे मतलब मंदिर में बोल रहा था कि मुझे एक खिचड़ी नहीं खाना है, मुझे और कुछ खाना है। तो फ्रेंड्स देखिए बापी ने यहाँ पे जो है थोड़ा सा गोलगप्पा खा लिया है, तो अभी जो है हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगला कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।